दोस्तों कुछ चीजों की उत्पत्ति जो होती है ना अपने गेम के अंदर नए नए तरीकों से होती है, लेकिन अभी यहाँ पे बात कर लीजिए एसएमजी गन्स की। हाँ, अब तुम लोग बताओगे कि एसएमजी गन्स में कौन कौन सी गन होती है। चलो ठीक है, अब देखो एसएमजी गन्स के मामले में देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी गन्स हैं एसएमजी गन्स की जो कि अपने फ्री फायर गेम के अंदर सबसे ज्यादा यूजेस किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो ऐसी कुछ ही गन्स हैं जिनको एसएमजी गन्स में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर तुम लोग को ये सारी गन्स से अगर रेड नंबर लगना स्टार्ट हो जाएगा इसे तो तुम लोग का गेम प्ले एक अनदर लेवल से ही क्रिएट होता है। ये चीजें मैं नहीं, तुम्हारा गेम प्ले खुद तुम लोगों के साथ में शेयर करेगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। देखो एसएमजी गन्स में वही जो गन है सबसे पॉपुलर चार गन MP40, थॉम्सन, MP5 एंड UMP, यही चार गन जो ऐसी हैं इनसे ऑलवेज रेड नंबर अगर तुम लोग का कनेक्ट होना शुरू हो जाए तुम लोग को गेम के अंदर कोई बंदा मतलब हरा ही नहीं सकता है। ये गन ऐसी गन है जिससे तुम लोग पूरे क्वार्टर किल भी फाइन कर सकते हो। लेकिन सवाल तो यहाँ पे तब पैदा हो जाता है अपने गेम के अंदर जब बंदे यार इससे कवर ही नहीं कर पाते, यानी कि ना वो हेड पे ही कनेक्ट कर पाते हैं ना ही क्वार्टर कर पाते हैं। अब देखो जब भी सामने वाला एनिमी अगर ऐसी चीजों से मारता है तो यार अपने को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत दुखता है। लेकिन हाँ कर सकते हैं साले। तभी ये चीज जरूर हम लोग अपने गेम के अंदर जरूर कर सकते हैं कि उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें इम्प्रूव करने के लिए तुम्हारा भाई आज आरजे रॉय तुम लोग का हेल्प करने वाला है। एंड ये सारी चीजों को लेकर तुम लोग अगर अपने गेम के अंदर चलोगे ना गाइस लिटरली बता रहा हूं कोई भी बंदा यहां तक कि मैं तुम लोग को खुद ही नहीं मार पाऊंगा। खाओ मां कसम। लेकिन मैं मजाक कर रहा हूं गाइस यार, मैं मिलूंगा कब तुम लोग को। खैर यार जोक से हटके तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बढ़ते हैं गाइस अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। 1 minute later। अब देखो ये चारे गन को अपने गेम के अंदर यूज करने के लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। अब देखो जो तुम लोग सोच रहे हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये चीज जरूर मैटर करता है एंड ये चीज ज्यादा मैटर करता है। ये चारों चीजें का कुछ डिसएडवांटेज भी है एंड एडवांटेज भी है। अब देखो ये भी जो तुम लोग सोच रहे हो कि क्या डिसएडवांटेज क्या एडवांटेज, ये भी नहीं। अरे बोल ना। अब मैं तुम लोग को बताने वाला हूं कि क्या इसके एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। अब देखो ये चारों गन्स बहुत सारे बंदे चारों गन का इस्तेमाल अपने गेम के अंदर करते हैं, लेकिन कई सारे बंदे क्या था कोई एक ही गन का सबसे ज्यादा गेम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लाइक जैसे थॉम्सन, UMP, MP5 या फिर MP40। इसमें से कोई बंदा एक ही गन का इस्तेमाल करता है, कई सारे बंदे चारों गन का इस्तेमाल करते हैं। एंड हाँ कई सारे बंदे लोगों को तो चारों गन्स एकदम परफेक्टली तरीके से चलने में लगती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थॉम्सन को लेकर। अब देखो थॉम्सन एक ऐसी गन है जिसका एडवांटेज तो तुम लोग को मिलेगा ही, लेकिन इसका साथ में कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होता है एंड ये चीज तुम लोग को जानना सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि इस गन को अगर तुम लोग यूज करते हो परफेक्टली तरीके से ओनली रेड नंबर कनेक्ट करने के लिए तो इसके बारे में तुम लोग को जरूर मालूम होना चाहिए। अब देखो ये गन का सबसे पहले तुम लोग एडवांटेज जान लो कि अगर तुम लोग इस गन को मिड रेंज में अगर यूज करते हो तो लिटरली बता रहा हूं गाइस यार, अगर तुम लोग यहां पे मेरी वीडियो क्लिप के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो मिड रेंज के अंदर थॉम्सन से अच्छी कोई गन हेड पे कनेक्ट ही नहीं होती है। क्योंकि ये स्मूथली तरीके से जितना ही ज्यादा स्मूथली तरीके से तुम लोग ड्रैग करोगे मिड रेंज के अंदर उतना ही ज्यादा स्मूथली तरीके से ओनली रेड नंबर कनेक्ट होता है। लिटरली में गाइस यार अगर तुम लोग इस गन को अगर यूज करोगे मिड रेंज के अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्मूथली तरीके से कम ही ज्यादा रोटेट करने पे या फिर ड्रैग करने पे गाइस यार इजीली तरीके से लगता है एंड यही सेम चीज अगर तुम लोग यहाँ पे मेरे वीडियो क्लिप में भी देखो तो देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे हमारे पास बसती है 3 गन जो कि MP40, MP5 एंड UMP। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास 3 गन है MP40, MP5 एंड UMP, अब देखो गाइस यार ये तीनों गन एक ऐसी गन्स है जिनको अपने गेम के अंदर इस्तेमाल करने पर तुम लोग एक ही डायरेक्शन से या फिर एक ही तरीके से रोटेट करने पर ड्रैग करने पर इजीली तरीके से हेड कनेक्ट कर सकते हो। बट इसमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल गन मानी जाती है वो होती है MP5, क्योंकि MP5 इसके लिए पावरफुल गन है। क्योंकि ये गन्स में अगर जब भी तुम लोग 3 लेवल का अगर इसको कर लेते हो तो लिटरली में गाइस यार मिड रेंज के अंदर भी एंड लॉन्ग रेंज के अंदर भी बहुत ही इजीली तरीके से हेड कनेक्ट करता है एंड इसकी स्पीड जो होती है ना गाइस यार अगर तुम लोग के पास डबल रेट ऑफ फायर वाली MP5 होती है तो लिटरली में भाई यार सामने वाले बंदे को तुम लोग ऐसा फाड़ दोगे कि तुम लोग क्वार्टरा भी इस गन से इजीली तरीके से निकाल सकते हो। एंड हेड के मामले में लिटरली में गाइस यार हेड के मामले में इसका कोई दाव ही नहीं है अगर तुम लोग के पास डबल रेट ऑफ फायर वाला गन होता है लाइक जैसे ये वाली गन। अब अगर तुम लोग ये वाली गन को अगर यूज करते हुए गाइस यार हेड पे कनेक्ट करोगे ना लिटरली में गाइस यार तुम लोग का अगर तुम लोग जिस तरीके से वीडियो क्लिप के अकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो तुम लोग का बहुत ही इजीली तरीके से हेड कनेक्ट होता है। एंड उसके बाद जो हमारे पास 2 गन बचती है MP40 और UMP को लेकर। अब देखो गाइस यार ये दोनों गन जो है बंदे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ये दोनों गन्स में सबसे ज्यादा गन्स कौन सी चलाई जाए। लेकिन हाँ देखो अगर MP40 की बात आती है तो MP40 बहुत सारे बंदे चलाते हैं क्योंकि कई सारे बंदे लोगों के पास CA जैसे एंड BR जैसे मैपेस के अंदर उनके पास स्किन्स होती है लाइक जैसे कोबरा MP40। अब कोबरा MP40 जो है ना गाइस यार बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला है एंड बहुत ही इजीली तरीके से सामने वाले बंदे को हेड कनेक्ट करता है। हाँ इसमें कोई दावा नहीं है क्योंकि भाई देखो गेम के अंदर पे टू विन जो होता है ना भाई सामने वाला बंदा ऑब्वियसली सी बात है जीत ही जाता है। लेकिन हाँ टूर्नामेंट की जब बात आती है तो भाई सामने वाला बंदा फेयर तरीके से जब खेलता है ना तो वही बंदा जीत पाता है जो बिना स्किन के खेलता है।
देखो अगर तुम लोग यहाँ पे MP40 की अगर जब भी बात आती है, अगर तुम लोग यहाँ पे मेरे वीडियो क्लिप के अकॉर्डिंग अगर चले जाते हो तो यहाँ पे ज्यादातर देखोगे तो मैंने रोटेशन ट्रैक का MP40 में बहुत ही ज्यादा यूज किया है, क्योंकि MP40 एक ऐसी गन है जिससे तुम लोग अगर रोटेशन ट्रैक लाइक अपने फायर बटन को कुछ इस तरीके से रोटेट करते हो एनिमी को अगर फायर करते हो तो लिटरली मैं गाइस जितना इजीली तरीके से इस गन से तुम लोगों का हेड पे कनेक्ट होता है ओनली रेड नंबर, उतना किसी भी गन से नहीं होगा, क्योंकि MP40 का जो रेट ऑफ फायर है लिटरली में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है। एंड जिसकी वजह से गाइस यार इससे तुम लोग अगर रोटेशन ट्रैक का यूज करोगे तो बिना रिकॉइल के इजीली तरीके से हेड पे कनेक्ट होता है। एंड यही सेम चीज अगर तुम लोग यहाँ पे मेरे वीडियो क्लिप में किसी भी MP40 का जब भी चला आ रहा हूँ मैं तो यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही इजीली तरीके से यही टेक्निक का यूज करके रेड नंबर ऑलवेज कनेक्ट हो रहा है। एंड ये चीज अभी भी तुम लोग अगर अपने गेम के अंदर कभी भी परफॉर्म करने की कोशिश करोगे ना लिटरली में गाइस यार MP40 जैसी गन से तुम लोग रोटेशन ट्रैक बहुत इजीली तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। एंड अब हमारा आता है UMP को लेकर। अब देखो UMP की ऐसी गन है भाई जिसका डिमांड मतलब दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। हाँ हालांकि मैं ये चीज़ को दावा करता हूँ कि यार UMP सही में यार एक अच्छी गन है। एंड इसको चलाने की जो डिमांडिंग है एंड इसकी जो पॉपुलेशन है दिन पे दिन जिस तरीके से जनगणना बढ़ती है ना भाई उसी तरीके से इसमें गेम के अंदर भी बढ़ती हुई चली जा रही है। अब बात करते हैं UMP से किस तरीके से रेड नंबर कनेक्ट किया जाए जिससे लिटरली में कैसे यार तुम लोग रेड नंबर कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो UMP एक ऐसी गन्स है जिसको मतलब सारी टेक्निक तुम लोग यूज कर सकते हो इसके साथ में। लाइक जैसे बहुत सारी गन्स की अलग अलग कंडीशन होती है जैसे कि मैंने तुम लोग को वीडियो के पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये गन ऐसी है जिसमें तुम लोग रोटेशन ड्रैग एंड उसके बाद स्ट्रीट ड्रैग एंड कोई भी ड्रैग टेक्निक यहाँ पे अगर तुम लोग चलोगे तो मैं कैसे भी फायर करता हूँ बस यहाँ पे तुम लोग को ड्रैग टेक्निक का एक्सपीरियंस है, सामने वाले बंदे का पोजीशन अगर तुम लोग को मालूम होता है लिटरली में गाइस यार। लेकिन हाँ अगर उससे पहले तुम लोग अगर यहाँ पे मूवमेंट के अकॉर्डिंग फायर करना नहीं सीखे हो तो कैसे तुम लोग जाके ये वाला वीडियो मेरा जरूर जाके देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही इजीली तरीके से समझाया है कि कैसे तुम लोग मूवमेंट के अकॉर्डिंग एनिमी के ऊपर फायर कर सकते हो। तो ये चीजें अगर तुम लोग जब भी अपने गेम के अंदर समझोगे लिटरली में कैसे तुम लोग का बहुत ही इजीली तरीके से रेड नंबर ऑलवेज कनेक्ट होगा। तो बस यार गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।